सो हाय गाइस, सोचो तुम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड कुछ रीज़न है जिससे तुम उसे बता भी नहीं सकते हो कि तुम उसे प्यार करते हो एंड कुछ रीज़न है जिससे तुम उसके साथ भी नहीं रह सकते हो। तो तुम क्या करते हो, तुम विश करते हो कि मैं उसके ड्रीम में जाके उसके साथ रहना चाहता हूँ एटलीस्ट। एंड गेस व्हाट, वो तुम्हारा जो वरदान है वो गॉड पूरा कर देते हैं, जिससे अब तुम उसके ड्रीम में जाके उसको परेशान कर सकते हो, उसके साथ उसके ड्रीम में रह सकते हो। सो सेम थिंग ये स्टोरी में है एंड चलो देखते हैं कि जून साइमन को कैसे परेशान करता है उसके ड्रीम में जाके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बूम, स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जून को, जिसका एक ख्वाब होता है कॉमिक आर्टिस्ट बनना, लेकिन ये बच्चा ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि इसका पप्पा एक नंबर का हिटलर होता है। ये वेट कर रहा होता है कि इसका पप्पा बाहर जाए तो ये ड्रॉ कर सके, लेकिन उसका पप्पा उसके वे में, शैतानी वे में टर्न होता है एंड उसे बोलता है कि तुझे ड्रॉ नहीं करना है, अगर मैं तुझे देख गया कॉमिक ड्रॉ करते हुए मैं तुझे बहुत मारूंगा, तुझे पढ़ाई पर फोकस करना है, जैसे कि पढ़ाई में अच्छा नहीं होता तो इसे यूजलेस बोलता है। ये स्कूल जा रहा होता है, वहाँ पे एक बच्चे को देखता है जिसका नाम जून होता है। वो हमेशा अकेला होता है और उसका कोई फ्रेंड नहीं होता है, अकेले खेलते रहता है। ये सोचता है कि रामा रामा, इतना गर्मी, ये बंदा फुल टू कवर बॉडी, इवन मास्क भी लगा के है, इतना क्या इसको क्रेज है कपड़े का। तो ये उसके पास जाता है, बोलता है कि हाय, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। तो वो बंदा उससे भाग फिरता है, नेक्स्ट डे भी भाग फिरता है। फिर ये सोचता है कि एक और बार ट्राई करते हैं, फिर भी भाग पड़ता है। अब ये और एक बार सोचता है कि लास्ट टाइम अगर ये भागेगा तो मैं इससे बात नहीं करूँगा, इग्नोर करूँगा। तो ये उसे हाय बोलता है, बट जून उसे रिप्लाई नहीं देता, जिससे ये सोचता है कि ये बंदा ना कभी सुधरने वाला नहीं है, जाने लगता है। तो जून उसके पास आके हाय बोलता है, जिससे ये फुल्टी खुश हो जाता है। देन दोनों बैठ के बात करते हैं। तो साइमन पूछता है कि तू स्कूल कहीं को नहीं जाता, तू हमेशा यहाँ पे अकेले कहीं को रहता। देन जून बोलता है कि क्योंकि मेरी मम्मी को पसंद नहीं कि मैं स्कूल जाऊं, मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है। तो ये हैरान होकर रहता है, बोलता है कि क्या बात है, तेरी मम्मी तो महान है, क्योंकि मेरी मम्मी तो चप्पल मार मार के स्कूल भेजते हैं। साइमन उन दोनों को ड्रॉ करता है एंड एज अ गिफ्ट वो जून को देता है। जून बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे फर्स्ट टाइम कोई गिफ्ट दे के रहता है। तो जून बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, जिससे साइमन फुल टू खुश हो जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई उसे अप्रिसिएट करके रहता है। बोलता है मैं फ्यूचर में कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। बोलते हैं कि हाँ तुम बनोगे। तभी उसे रियलाइज होता है उसे लेट हो रहा, वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो जल्दी जल्दी में बेचारा वहाँ पर गिर जाता है। साइमन पूछता है कि तू ठीक तो है ना। वो देखता है उसके फेस पे फुल टू चोट लग गई है, मास्क निकल के रहता है बोल के। वो उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि तेरे को फेस पे इतना चोट कहीं को लग गई है, तू ठीक तो है ना। लेकिन उसे लेट हो रहा था, बोलते वो भाग पड़ता है। नेक्स्ट डे ये उसका वेट करता है, लेकिन आज जून नहीं आया खेलने के लिए। तो ये उसके घर के पास जाता है, जब उसके डोर के पास जाता है इसे बहुत ज़्यादा साउंड आ रही होती है। जब ये विंडो से देखता है तो फुल टू हैरान होकर रहता है, क्योंकि जून की मम्मी उसे बहुत बेदर्दी से मार रही होती है एंड बोलती है कि तेरा शक्ल देख के मुझे तेरे पप्पा की याद आती है, मुझे तुम दोनों से नफरत है, मैंने तुझे कितने बार बोला बाहर नहीं जाने का, तो तू कहीं को जा रहा। वो उसका गला दबाने लगती है, जिससे बच्चा डर के चिल्ला के रोने लगता है और बोलता है कोई हेल्प करो, कोई हेल्प करो। इससे उसकी मदर सुन लेती है एंड जून भी सुन लेता है एंड उसकी मदर उसे मारना बंद कर देती है। ये भागते हुए अपनी मम्मी के पास जाता है और बोलता है कि मम्मी, जून की मम्मी बहुत बुरी है, वो जून को बहुत बुरी तरह मारती हैं। तो साइमन की मम्मी को लगता है कि वो जस्ट यू नो दांत फटकार जैसे अपनी मम्मी करती वैसी करे होंगे, उन्हें इतना सीरियस नहीं लगता। तो वो बोलती हैं कि बच्चे, मम्मी तो डांटते और थोड़ा बहुत मारते हैं ना, वो कुछ नहीं करेंगे, बाद में उससे प्यार करने लगे, आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल से आ रहा होता है, वहाँ पे जून रहता है। जून बोलता है तू ही था ना जो बाहर हेल्प बोल रहा था। तो वो रोने लगता है और बोलता है कि इसलिए तू फुल टू कवर बॉडी करता था क्योंकि तेरे पूरे बॉडी पे निशान चढ़ के है, तेरी मम्मी बहुत मारती है ना तुझे, तो मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाया। तो जून बोलता है कि कोई नहीं, जस्ट मेरे लाइफ में ऐसी है, मतलब कोई प्यार नहीं करता। तो जून बोलता है क्यों नहीं, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, अपन दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। जिससे जून याद करता है कि कैसे वो विंडो के पर से देखता था कि सब लोग अपने अपने दोस्तों के साथ और ये अकेला है। तो इसे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि इसका एक फ्रेंड है, इसका एक बेस्ट फ्रेंड है। तो ये खुशी के आंसू रोने लगता है। तो ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं,
एंड स्टिल जून की मम्मी उसे मारती हैं, लेकिन कोई तो है उसे काइंड ऑफ तसल्ली, तो कोई तो है उसके साथ. अदर थिंग इज दैट साइमन के ड्राइंग को कोई तो है प्रेस करता है, उसे बोलता है कि तेरे अंदर खूबियाँ हैं. तो वो दोनों साथ में ड्राइंग कर रहे होते हैं, तभी साइमन का पप्पा वहाँ पे आ जाता है. वो साइमन को घसीटते हुए घर लाता है, उसके पूरे कॉमिक्स फाड़ देता है और बोलता है कि तू यूज़लेस बच्चा है. फिर उसके ऊपर हाथ भी उठाने जाता है, लेकिन साइमन की मम्मी रोक लेती है, जिससे साइमन को बहुत बुरा लगता है. वो रो रहा होता है, बोलता है कि मेरे पप्पा ने बोला कि मैं यूज़लेस हूँ. तो उसका हाथ पकड़ के जून बोलता है कि तू यूज़लेस नहीं है, तू बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है. साइमन नोटिस करता है कि जून का जो फेस पे घाव है वो बढ़ के है. वो बोलता है कि तेरी मम्मी ने फिर से तुझे मारा है. तो जून बोलता है कि मेरी मम्मी पहले ऐसे नहीं थी, वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन जब से पापा दूसरी शादी करे वो स्ट्रेस मोड में चले गए एंड उन्हें उनको मेरे अंदर मेरे पापा का शक्ल दिखता है, इसलिए वो मुझे मारते हैं. लेकिन मुझे मालूम है एक ना एक दिन वो उनकी जो हालत है वो ठीक हो जाएगी एंड मैं बहुत अच्छा बच्चा बन के रहूँगा, जिससे वो मुझसे फिर से प्यार करने लगेगी. तो साइमन बोलता है कि हाँ देखिए तेरी मम्मी ठीक हो जाएंगी एंड तुझसे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगेंगी. तो हम देखते हैं दूसरी साइड, उसके पप्पा जो उसकी दूसरी वाइफ होती है उसके साथ वो घर आता है और उसकी मम्मी को बोलता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, जिससे वो बंदी टूट जाती है एंड बूम टूट ही जाती है, मतलब सुसाइड कर लेती है. तभी वहाँ पे जून और साइमन आ जाते हैं. जून अपनी मम्मी को वो हालत में देख के उसको मेंटली बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. ऑब्वियस सी बात है, इतना छोटा बच्चा है, वो रोने लगता है कि मेरा अब कोई नहीं है. लेकिन साइमन उसे हक करता है और बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा. देन वो हॉस्पिटल एवरीडे आने लगता है उससे मिलने के लिए. हम देखते हैं जून का पप्पा आ गया है वहाँ पे एंड वो उसे लेके चले जाता है. जब वहाँ पे साइमन आता है वो देखता है कि वहाँ पे जून नहीं है. इसे बहुत बुरा लगता है कि जून उसे छोड़ के चले गया, वो एटलीस्ट उसे बताया भी नहीं. तो ये उससे फुलटू गुस्सा हो जाता है, छोटा बच्चा है यार तो गुस्सा तो होगा ही ना. फिर हम देखते हैं 11 ईयर्स के बाद हम अब देखते हैं कि साइमन बड़ा हो चुका है एंड उसे एक अजीब सपना आया आज, जिसमें उसका कॉलेज का टॉपर जिन्हा दिख रहा, जो बहुत अजीब बंदा होता है, उसका कोई फ्रेंड नहीं होता है, अकेले रहना पसंद करता है बट हमेशा टॉप मारता है. तो इसे समझ में नहीं आ रहा होता कि बंदा इतना टॉपर है, मैं एवरेज स्टूडेंट, ये मेरे ड्रीम में कहीं को आया. साइमन का बेस्ट फ्रेंड हॉन्ग साइमन को पूछता है कि तेरा मूड कहीं को ऑफ है. देन साइमन उसे बताता है कि आज उसको बहुत अजीब सपना आया, ऐसा लग रहा था कि रियल है एंड उसमें झींगा था. तो ये फुलटू हैरान होकर रहता है, बोलता है कि वो बंदा कहीं को आया. फुलटू काइंड ऑफ वियर्ड बंदा है, वो किसी से दोस्ती नहीं करता है, अकेले ही रहता. हाँ वो अलग बात है, वो टॉपर है, प्रोफेसर्स का फेवरेट है एंड रूमर है कि वो बंदा गे है, कोई उसको देखा था किसी लड़के को किस करते हुए. तो पूछता है तुझे सपना कैसे आया, तो बताता है कि उसकी आँख खुली एक फॉरेस्ट में एंड उसे डर लग रहा होता है, तो वो सोचता है कि सो जाऊँगा तो उठ जाऊँगा, सपना ही तो. तभी वहाँ पे जिन्ना आता है एंड ये उसे देख के फुलटू हैरान होके रहता है. ये पूछता है कि तुम मेरे सपने में क्या कर रहे हो, तो वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है. तो जैसे कि फॉरेस्ट एरिया होता है, डार्क होता है, ये फुलटू डर के रहता है. तो ये उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है कि अपन साथ में चलते हैं ना. वो उसका हाथ हटा के बोलता है कि तू तो हमेशा मुझे अवॉइड करता था, तो आज तू मेरे से अच्छा बनने का नाटक मत कर. तो बोलता है कि हैं तू अजीब इंसान है, तू किसी से बात नहीं करता, तो इसलिए मैं तुझे तुझसे बात नहीं कर रहा कि तू डिस्टर्ब ना हो जाए बोल के. और तुझे कब से फ़र्क पड़ने लगा कि कोई तुझसे बात करे या ना करे. तो ये उसे उसके पास कुछ नज़दीक चले जाता है और बोलता है कि दूसरे मुझसे बात करें या ना करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तू मेरे से बात नहीं करता वो मुझे फ़र्क पड़ता है. तो बोलता है हैं हम तो कभी बात ज़्यादा करते भी नहीं हैं, तुझे उससे कहीं को फ़र्क पड़ता है. तो बोलता है कि तुझे याद नहीं है फेवरल का दिन क्या हुआ था एंड हम ड्रीम में तेरे वजह से हैं. तो ये सोचता है कि क्या हुआ था उस दिन. फुल टू यहाँ पे कंफ्यूजन एंड बूम इसका सपना वहाँ पे टूट जाता है. तो हॉन्ग बोलता है कि अरे छोड़ यार, एक सपना ही तो है और ज़रूरी ना वो फिर से आए तुझे, तू तो कहीं को कंफ्यूजन में मर रहा, वो तो जस्ट एक सपना था उसे भुला दे. तो ये भी सोचता है कि होप ये लास्ट सपना हो, फिर से ना हो. लेकिन ना, आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि जिन्ना इसे सपने में आके बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, नॉट ओनली इन ड्रीम, इन रियलिटी भी, क्योंकि वो रियल लाइफ में उसको फ्रस्ट्रेट करेगा और ड्रीम में भी फ्रस्ट्रेट करेगा. सो
क्या होता है एंड कई को वो उसे परेशान कर रहा उसके रियल लाइफ में भी और करेगा। अभी मैंने कहाँ बोला इसमें ना, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ना कैसे परेशान किया रियल लाइफ एंड इन ड्रीम टू। सो वो देखने के लिए तुम्हें नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ता। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मुझे इस पे अच्छे खासे व्यूज़ चाहिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लाऊंगी। मुझे इस पे 10,000 व्यूज़ चाहिए, मजाक कर रही मैं लाऊंगी, मेरी आदत ख़राब है। ठीक है, तुम लोग इतने व्यूज़ नहीं दोगे, यूट्यूब साला, सॉरी यूट्यूब सर जी प्रमोट नहीं करते हैं उतने, तो क्या हो गया, कभी ना कभी उसको भी अक्ल आएगा गधे को। सो सॉरी यूट्यूब जी, माफ़ कर दियो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप तुम्हें ये स्टोरी यहाँ तक पसंद आई हो। बाय बाय।